हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। कुछ लोगों को ज्यादा धमका जा रहा है, चार दिन के अंदर मीटर नहीं लेंगे आपकी लाइट काटे जाएंगे करके केस हो जाएगा, ऐसा धमका के मीटर का काम बोले जल्दी से चालू करने का, लाइट नहीं मिलेगी बोले लगाए थे, उन मीटरों की आज तक की रीडिंग कभी ली नहीं गई। एक तो खाने को नहीं है, ऊपर से अगर 20,000 बिल आएगा तो इंसान कहाँ से भरेगा। हमारे कुछ लोग तो ऐसे है जिसका 1,80,000, 1,70,000 बिल आया है, तो हम तो तुरंत एमएससी की ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दो और हमारा झोटा आप ही ले लो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गांव देवी में आज मीटर लगाने और बिजली के बिल भुगतान के लिए टोरेंट पावर ने कैंप लगाया था। कुछ स्थानीय लोग जब वहां मीटर और बिजली की समस्याओं को लेकर पहुंचे और टोरेंट के कर्मचारियों से कहा कि एमएसईबी के वक्त 2 से 3 बार उन्होंने फॉर्म जमा किया था मगर मीटर नहीं लग पाया है, मीटर के लिए जो पैसे दिए थे वो भी उन्हें वापस नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि एमएसईबी की तरफ से मीटर की स्लिप दी गई है लेकिन इसके बावजूद उनके घर में मीटर नहीं लगे हैं। लोगों ने यह भी बताया कि टोरेंट के कर्मचारी कैंप में गए लोगों को डरा रहे हैं, घर में मीटर नहीं है मगर एमएसईबी के वक्त का जो बिल बकाया है, टोरेंट जो मीटर लगाएगी उसमें एमएसईबी का बकाया बिल भी जोड़कर भेजेगी और 2 से 3 दिन के अंदर अगर मीटर नहीं लगाए गए, बिजली के बिल नहीं जमा किए गए तो बिजली काट दी जाएगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय समाज सेवक चांद कुरैशी और फिरोज खान के पास लोग शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान लोग टोरेंट कर्मचारियों से ये कहते हुए नजर आए कि एमएसबी का जो बकाया बिल है वो टोरेंट में नहीं जमा करेंगे, जब से टोरेंट आई है तभी से बिल का भुगतान करेंगे। मगर वहीं टोरेंट के पीआरओ चेतन विद्यानी ने बताया कि उनसे सभी कैंप में मौजूद कर्मचारियों से बात हुई है, किसी ने भी किसी कस्टमर को नहीं डराया है। नया मीटर लेने के लिए कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं पीआरओ चेतन विद्यानी ने बताया है कि एमएसबी के वक्त का भी जो बकाया बिजली बिल है वो टोरेंट वसूली करेगी। क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों ने वो भी सुनिए। सुरेश भाई, क्या पूरा मामला था जो टोरेंट का जहाँ पर कैंप लगा था तो आप लोग यहाँ पर आए थे, विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखो आरिफ इमरान भाई, मसला ऐसा है कि टोरेंटो कंपनी बोल रही है कि मैं इस बस्ती के अंदर मीटर लगाना चाहता हूँ, तो हमने बोले ठीक है आप मीटर लगा दो, तो 2,010 रुपये में मीटर का बात हो रहा है, बोले हम 2,010 रुपये में आपको मीटर लगा के देंगे। मगर मसला ऐसा है कि जो मैक कंपनी का जो पहला था एमएससीबी का मसला, जिसका थर बाकी है, इसका पीडी है, ये बोलते हम आपको अगर आपके पास में वो मीटर रहेगा तो इस बिल के अंदर हम आपको तीन स्टेप के अंदर हम आपको उसका बिल भेजेंगे, तो वो तो एमएससीबी का मसला था, तो टोरंटो कंपनी उनका बिल लेने का कैसा चाहती है। और सबसे बड़े मसला ये है कि एमएससीबी ने 3 बार मीटर के पैसे लेके गए हैं, किसी को पावती दी है और मीटर नहीं दिए है, पावती दी है और मीटर नहीं दिया और उसका बिल 1,50,000 रुपये बिल बाकी है। हमने ये बात टोरंटो कंपनी से बताया है तो बोले वो मीटर आपने उनको नहीं दिया, आपने उनसे मीटर नहीं लिया, उन्होंने नहीं दिए, हम देखते हैं करके। अब मीटर उनसे नहीं लिया तो ये देखते हैं, बोलते हैं उनका बिल ये बोलते हैं हम पीटी रहेंगे, थक बाकी रहेंगे तो हम आप हमारे बिल में लगा के देंगे, टोरंटो वाले लगा के देंगे बिल। तभी आप लोगों ने किससे बात की है यहाँ पर? हमने नगर सेवक से बात की है, हमारे अमदा साहब से भी बात की है, तो ऐसा है कि इनका सिर्फ जो टोरंटो कंपनी का जो बिल का मीटर का हिसाब किताब बनाने धमकाने की बात आ रही थी सामने, ऐसा है ना कि कुछ लोग आगे के आए हैं तो वो बोले कि टोरंटो कंपनी बोल रही है कि 4 दिन के अंदर अगर मीटर नहीं लेंगे तो आपकी लाइट काट दी जाएंगी। तो ऐसे हमारे साथ में 2-3 लोग भी थे, हमारे अल्ताफ भाई है बेचारे, वो भागते हुए आए हैं और उन्होंने बताया है अगर 4 दिन के अंदर बोले मीटर नहीं लगता है तो बोले लाइट काट दिए जाएंगे, तो सब पब्लिक डर डर के भाग भाग के आ रही है, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास में आ रहे हैं, चैन भाई के पास में, मेरे पास में आ रहे हैं, बोले भाई फिर चैन भाई क्या करने का क्या है, वैसा डरा के धमका के मीटर लगाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उन लोगों से बात किए कि क्यों डराया धमकाया? हमने पहले ही दिन से ही उनके
साहब लोग से बात की है तो इन्होंने बोले हम आपकी बात बोले हमारे सीनियर लीडर से बोले हमारे बड़े साहब से हम करेंगे, तो तीन दिन से हमारे को टाइमिंग नहीं दे रहे, हम मिलाएंगे बात कराएंगे, नंबर दिए हैं, अभी कल बोलते हैं कि वो साहब अहमदाबाद गए हैं। जब साहब अहमदाबाद गए हैं, साहब अहमदाबाद गए हैं तो किसी के हाथ में चार्ज देके गए होंगे ना इमरान भाई? जब साहब अहमदाबाद गए तो फिर कैंप क्यों लगाए साहब? तो लगा उसी बात पे तो बहस चल रही है, जब साहब अहमदाबाद गए तो कैंप कैसे लगाए, फिर तुम्हें किसकी परमिशन के इजाजत पे कैंप लगाए हैं करके? तो हमारे ऐसे आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि आप टोरंटो कंपनी के साहब लोग हैं उनसे भी थोड़ा इंटरव्यू लेके उनसे भी बताया जाए क्या क्या बात है करके। तीन दिन से हमारी यही मांग है, या तो हमको वहाँ लेके चलो ऑफिस के अंदर हमको साहब से मिला दो, या साहब से हम यहाँ लाके हमें बातचीत करा दो। और है मसला का मीटर का इमरान भाई, तो हम लोगों ने इनसे बताया है कि पहले भी एक बार ऐसे मीटर का मसला हुआ था, तो हम लोग ने 500 मीटर लिए थे इधर पे। तो ये हमारा जो पीजी है जो थक बाकी है, इसका मसला अगर हल होता है, अगर से नए सिरे से मीटर लगा के नए सिरे से बिलिंग का काम चालू करते हैं, तो अपन इनको पूरा अपन इनको खुद कोऑपरेट करेंगे, 1500 मीटर उनको खुद अपन ला के देंगे कि लोग पैसा लो करके जगह पर मीटर लगा के दो करके। आरिफ भाई, ऐसा है कि कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है जबरदस्ती करके कि अगर तुम चार दिन के अंदर मीटर नहीं लेंगे आपकी लाइट काटे जाएंगे करके। तो हमारे आगे चांगेरा हॉल के पास में कुछ लोग थे, वो लोग बेचारे भाग भाग के थैली ले लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई दो दिन में मीटर कराएंगे, लाइन कराएंगे, चार दिन में कराएंगे, केस हो जाएगा, ऐसा धमका धमका के मीटर का काम बोले जल्दी से चालू करने का। तो ये अल्ताफ भाई है बेचारे, ये उधर से भागते हुए हमारे पास में आए हैं चार दिन के अंदर अंदर। कौन बोल रहा थे? पब्लिक जा जाके यहाँ से भी फॉर्म भर भर के यार वही जाके बोल रहे वहाँ, यहाँ से वहाँ पे बोले चार दिन में या दिवाली तक, बोले चार पांच दिन में या दिवाली तक बोले लाइट कट जाएगी, बोले उसके बाद में फिर लाइट नहीं मिलेगी, बोले जिसका मीटर रहेगा उसको लाइट मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी लाइट नहीं तो। सबसे पहले तो ये हो रहा है कि यहाँ पे लोगों को हुक्ड अप दे के मीटर लिए जा रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि पहले के जो मीटर तीन तीन टाइम में पैसा भरे मीटर नहीं मिला तो उसका क्या? अब वो पावती का कोई वैल्यू नहीं है, किसी के पास अगर अपन जाते भी है तो पावती का कोई वैल्यू नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पहले इन लोग ने जो मीटर दिए थे लगाए थे उन मीटरों की आज तक की रीडिंग कभी ली नहीं गई, और बिल आ रहा है किसी को 17,000, किसी को 22,000, किसी को 30,000। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, चलो अभी मीटर तुम लोग ने ऊपर भेजे कि मीटर लगा के ले लो, मीटर लगाने के बाद में अब ऐसा नहीं होवे कि पहले के 10 साल पहले भी बिल उसमें जोड़ के आदमी को देंगे तो गरीब आदमी यहाँ करेगा क्या? एक तो खाने को नहीं है, ऊपर से अगर 20,000 बिल आएगा तो इंसान कहाँ से भरेगा? ऐसा ना इमरान भाई, एक पैसे कोरोना के मान हमारी चली है, उसके अंदर धमका के धरा के एकदम से जो पैसा वसूला करे जा रहा है लिया जा रहा है, आदमी ऐसे ही परेशान है, आदमी को दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी इस समय तकलीफ हो रही है ऐसी धमका धरा के। हमारे कुछ लोग तो ऐसे है जिसका 1,80,000 1,70,000 बिल आया है, 2-2 लाख रुपए बिल आया और 1,00,000 रुपए का छोपड़ा है। तो हम तो टोरंटो से या IMACB से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 1,50,000-2 लाख रुपए दे दो और हमारा छोपड़ा आप ही ले लो, हमको 2 लाख रुपए दो और हमारा छोपड़ा आप ही ले लो। हमारे घर में क्या दाल मिल चल रही तो फैक्ट्री है क्या, गन्ने की शक्कर की फैक्ट्री है क्या, मिल चला रहे क्या, लूम चल रहा है क्या, भिवंडी का लूम चल रहा है हमारे एरिया के अंदर,